हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द आउटसाइडर, जो कि अल्बर्ट कैम्यू की काफी फेमस नॉवेल है, जिसका और भी टाइटल द स्ट्रेंजर भी रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों है, काफी फेमस नॉवेल है अल्बर्ट कैम्यू की। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो के थ्रू आप लोग की हेल्प होती है ना, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द आउटसाइडर एंड द स्ट्रेंजर, ठीक है, द आउटसाइडर और द स्ट्रेंजर, जो भी आपके नॉवेल में, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन हो, आप उससे स्टार्ट करना, उसी टाइटल के साथ स्टार्ट करना। इज ए नॉवेला, एक नॉवेला है, रिटन बाय फ्रेंच ऑथर अल्बर्ट कैम्यू, जिसको कि लिखा गया है फ्रेंच ऑथर अल्बर्ट कैम्यू के द्वारा। ठीक है, नॉवेला क्या होता है ना, कोई छोटी नॉवेल या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी जो कि थोड़ी बड़ी हो, उसको नॉवेला कहा जाता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ अल्बर्ट कैम्यूज मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवेल्स। ये जो है ना अल्बर्ट कैम्यू की मोस्ट सेलिब्रेटेड यानी काफी प्रसिद्ध नॉवेल में से एक थी। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल कंबाइंस थीम ऑफ एब्सर्डिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इस नॉवेल की जो थीम है वो एब्सर्डिज्म यानी बेतुकापन है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी क्या हो जाता है, अस्तित्ववाद है, किसी इंसान के मतलब लाइफ को का क्या मीनिंग होता है, तो उस चीज पे बेस्ट है ये नॉवेल में जो है। इट वाज फर्स्ट रिटन इन 1940, इसको पहली बार 1940 में लिखा गया था, एंड पब्लिश इन 1942, और पब्लिश जो किया गया 1942 में किया गया। इन 1946 द नॉवेल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, 1946 में नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑथर स्टुअर्ट गिलबर्ट। ठीक है, इसको पहली बार जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, किस ऑथर, स्टुअर्ट गिलबर्ट के द्वारा 1946 में। ट्रांसलेटेड फोर टाइम्स इनटू इंग्लिश, चार बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, एंड आल्सो इनटू न्यूमरस अदर लैंग्वेज, और भी ढेर सारे अदर लैंग्वेज, यहाँ पे न्यूमरस का स्पेलिंग आप देख लेना गलत है, ठीक है सही कर लेना, तो और भी ढेर सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इट वॉज ट्वाइस एडेप्टेड एज फिल्म, दो बार इसको एज ए फिल्म भी अडेप्ट किया गया, मतलब दो बार इसकी स्टोरी पे मूवी भी बनी है। गिलबर्ट चॉइस ऑफ टाइटल, गिलबर्ट का जो चॉइस ऑफ टाइटल था, द स्ट्रेंजर वॉज चेंज्ड, द स्ट्रेंजर, गिलबर्ट अपने नॉवेल में चॉइस, मतलब जो टाइटल रखे थे, शीर्षक रखे थे, वह रखे थे द स्ट्रेंजर, वॉज चेंज्ड बाय हैमिस हैमिल्टन, उसको चेंज कर दिया गया, किस ऑथर, हैमिस हैमिल्टन के द्वारा, टू द आउटसाइडर, मतलब क्या रख दिया गया, द आउटसाइडर रख दिया गया, बिकॉज ही कंसिडर्ड इट मोर स्ट्रिकिंग एंड अप्रोप्रिएट, क्योंकि हैमिस हैमिल्टन को ज्यादा अप्रोप्रिएट यानी उचित शीर्षक जो है वो आउटसाइडर लगा, तो वो इसी शीर्षक का यूज किए अपने वर्क में। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, अब हम लोग अबाउट ऑथर, अबाउट अल्बर्ट कैम्यू के बारे में देखते हैं। अल्बर्ट कैम्यू वॉज अल्जीरियन बॉर्न फ्रेंच राइटर, ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट एंड फिलोसोफर। अल्बर्ट कैम्यू जो है वो जो है अल्जीरियन बॉर्न, मतलब अल्जीरिया में उनका जन्म हुआ था, वो एक फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट और फिलोसोफर। ही इज नोन इन पार्टिकुलर फॉर हिज फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, वो मेनली जो जाने चाहते थे अपने फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द एब्सर्ड, एब्सर्ड पे जो मतलब उनका फिलोसफिकल, एब्सर्ड से रिलेटेड जो उनका फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन होता था, उसके लिए जाने जाते थे अल्बर्ट कैम्यू, एंड हिज फॉर प्रोफाउंड कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, और जो उनका प्रोफाउंड एक गहरा जो कमिटमेंट था दृढ़ हर इंडिविजुअल फ्रीडम का, विच ही एक्सप्रेस इन हिज राइटिंग, जो कि अपनी राइटिंग में भी वो एक्सप्रेस करते थे, एंड विच वेयर वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग हिज टाइम, और जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावकारी भी था उनके टाइम में, तो ठीक है इस तरीके का वर्क वो लिखते थे। ही टुक पार्ट इन फ्रेंच रेसिस्टेंस, वो फ्रेंच रेसिस्टेंस में भी भाग लिए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला, 1939 चले गए, 1945 तक मेनली चला है, एंड कंटिन्यू टू राइट अंटिल हिज प्रीमेच्योर डेथ, और कंटिन्यू रखे अपनी राइटिंग, मतलब लगातार लिखते रहे, कब तक, जब तक उनकी प्रीमेच्योर डेथ नहीं हो गई इन एक कार एक्सीडेंट में, इन 1960 में, एट द एज ऑफ 46, मतलब 46 के एज में, 1960 में उनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में अल्बर्ट कैम्यू की। कैम्यू वॉज वन ऑफ द मेजर राइटर ऑफ द 20th century की वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट राइटर के रूप में जाने जाते थे कैम्यू, एंड वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1957, और 1957 में उनको क्या मिला है, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है कैम्यू को। अब हम लोग आगे देखते हैं, मैनी ऑफ हिज वर्क्स आर नाउ कंसिडर्ड मॉडर्न क्लासिक्स, ढेर सारा जो उनका वर्क है वो मॉडर्न क्लासिक्स माना जाता है, मतलब मॉडर्न टाइम का काफी श्रेष्ठ वर्क माना जाता है। इन पार्टिकुलर हिज नॉवेल, और पार्टिकुलर उनके नॉवेल में द प्लेग, द
फॉल द स्ट्रेंजर द मैथ ऑफ सिसिफर्स एंड रेसिस्टेंस रेबेलियन एंड डेथ. तो ये सब काफी जो है उनका फेमस वर्क माना जाता है, फेमस मॉडर्न क्लासिक्स माना जाता है. अब आगे हम लोग थीम्स इन द आउटसाइडर, तो द आउटसाइडर का क्या क्या थीम है उसके बारे में आगे हम डिस्कस किए हुए हैं. थीम्स इन द आउटसाइडर, इरेशनैलिटी. इरेशनैलिटी क्या होता है? तर्कहीनता. ठीक है. द इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड डिसीजन इज वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द आउटसाइडर. तो द आउटसाइडर का जो वन ऑफ द मुख्य जो थीम है वो इरेशनैलिटी, तर्कहीनता दिखाई गई है. किसकी? इंसान के एक्शन की और डिसीजन की. ठीक है. फिर आगे है कैम्यूज प्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ मैरसॉल्ट. कैम्यूज क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं एक मैरसॉल्ट नाम के कैरेक्टर को टू शो दिस इरेशनैलिटी, इस तर्कहीनता को दिखाने के लिए इन ह्यूमन एक्शन डिसीजन लाइफ एंड रिलेशनशिप. इंसान के एक्शन में डिसीजन में लाइफ और रिलेशनशिप में तर्कहीनता को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? कैम्यू मैरसॉल्ट नाम के कैरेक्टर का यूज करते हैं इस नॉवल में. अब आगे है मीनिंगलेसनेस. द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन रिलेशन एंड लाइफ ऑन अर्थ इज अनदर मेजर थीम ऑफ द आउटसाइडर. तो द आउटसाइडर का जो दूसरा मेजर थीम है वो मीनिंगलेस अर्थहीनता दिखाया गया है इंसान के जीवन का, ह्यूमन रिलेशन, इंसान के किसी भी तरह के संबंध का, और लाइफ ऑन अर्थ. और लाइफ जो है अर्थ पे, उस चीज का क्या दिखाया गया? अर्थहीनता दिखाई गई है. अब आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड यानी वर्ल्ड यानी भौतिक वर्ल्ड की इनसिग्निफिकेंस यानी महत्व को दिखाया गया है इस नॉवेल में. तो वो भी इस नॉवेल का क्या है? थीम है. द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अनदर मेजर थीम ऑफ द नॉवेल. तो इस नॉवेल का जो अनदर मेजर थीम है वो फिजिकल वर्ल्ड दिखाया गया है, भौतिक वर्ल्ड दिखाया गया है, इसका महत्व दिखाया गया है एक ह्यूमन के लाइफ में, जो क्या इसका प्रभाव पड़ता है. तो वो भी इस नॉवेल का एक मेन थीम है. मैरसॉल्ट हमेशा जो है इस नॉवेल का मेन जो कैरेक्टर है ना वो मैरसॉल्ट ही, और इसी के चारों ओर सारा थीम, सारा स्टोरी भी घूमता है. मैरसॉल्ट सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ. ये हम लोग को नॉवेल पढ़ने के बाद समझ में आएगा, देखने को मिलेगा कि मैरसॉल्ट जो है अपने लाइफ के फिजिकल एस्पेक्ट्स, भौतिक पहलुओं में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है. ठीक है. किस भौतिक पहलू? इट मीन्स लस्ट, लस्ट में इंटरेस्टेड होता है, ग्रीड में इंटरेस्टेड होता है, मोर देन इट्स इमोशनल साइड. बल्कि इस इन सब चीजों के इमोशनल साइड्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, इस चीज को फील नहीं करता है. बट वो भौतिक वर्ल्ड, फिजिकल एस्पेक्ट इंटरेस्टेड रहता है, ना कि इमोशनल एस्पेक्ट में किसी भी चीज के. अब आगे है मिसकम्युनिकेशन एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. मिसकम्युनिकेशन यानी बहुत कम बात होना, या जैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना एक दूसरे से बात करना. तो मिसकम्युनिकेशन एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, लाइफ का बेतुकापन, इन डिफरेंट वर्ड्स ह्यूमन पैशन, ह्यूमन पैशन में किस जुनून में अंतर, डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में डिफिकल्टी, इट इज ऑल्सो आर मेजर थीम्स ऑफ द प्ले. तो इन सब के अलावा जो हमको तीन चार मेंशन किए, उन सब के अलावा जो हम नीचे मेंशन किए वो सब भी है इस प्ले का काफी इंपॉर्टेंट थीम है. तो यहाँ पे हम लोग अब थीम डिस्कस कर लिए, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अबाउट प्लॉट. अब स्टोरी को हम लोग समझेंगे कैसी स्टोरी है, और एंड में फिर इसके बाद कंक्लूजन है. द स्ट्रेंजर टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मैरसॉल्ट. मैरसॉल्ट नाम का जो कैरेक्टर है उसी की स्टोरी है द स्ट्रेंजर. ए डिटैच्ड इमोशनलेस यंग मैन, एक अलग थलग और इमोशनलेस, जिसके अंदर किसी भी तरह की इमोशन नहीं पाई जाती है, वैसा यंग मैन है, जवान है, लिविंग इन अल्जीरियस, जो कि अल्जीरियस में रह रहा है. कैम्यू ओपन द स्ट्रेंजर विद द वाइडली कोटेड लाइन, एक काफी प्रसिद्ध लाइन जो एज ए कोटेशन यूज किया गया है, मतलब इस नॉवेल की शुरुआत में ही, वो क्या है? मदर डाइड टूडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो. ठीक है. दिस कॉलोक्वियल फ्रेज, और ये जो कॉलोक्वियल यानी क्या हो जाता है कि नॉर्मली बात के दौरान जो यूज कर लिया गया फ्रेज, जो कहावत है, सोच दैट दिखाती है कि मैरसॉल्ट द प्रोटैगनिस्ट हाउ मच इमोशनलेस. जो मैरसॉल्ट जो है प्रोटैगनिस्ट, वो कितना ज्यादा इमोशनलेस है. मैरसॉल्ट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज मदर्स डेथ इन नर्सिंग होम. तो मैरसॉल्ट को क्या किया जाता है ना, इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी मदर का डेथ हो गया है नर्सिंग होम में. ठीक है. ही वेंट टू द फ्यूनरल, वो उनके दाह संस्कार में जाता है. तो यहीं पे मैरसॉल्ट की माँ से रिलेटेड ये लाइन है, मदर डाइड टूडे और मे बी यस्टरडे, की मैरसॉल्ट अपने माँ की मृत्यु में बोलता है कि मतलब माँ की मृत्यु आज हुई या फिर कल हुई, आई डोंट नो, कि इसको पता ही नहीं होता है. ठीक है. तो इस तरह से ये दिखाता है कि किस तरह से जो मैरसॉल्ट जो करेक्टर है वो इमोशनलेस. तो ही वेंट टू द फ्यूनरल, वो अपने माँ के दाह संस्कार पे गया, बट शोड नो साइन ऑफ द ग्रीफ, लेकिन किसी भी तरह का दुख कष्ट ये सब उनका शाइन दे नहीं देखने को मिल रहा था, कि वो बहुत ज्यादा उदास है या फिर उसकी माँ का डेथ हो गया तो उसको बुरा लग रहा है, ये सब चीज नहीं देखने को मिल रहा था जब वो अपनी माँ के दाह संस्कार में गया था. इमिडिएटली आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज मदर फ्यूनरल्स,
फ्यूनरल जैसे ही अपनी माँ के दाह संस्कार से वापस आया, ही गोज स्विमिंग, वह स्विमिंग के लिए जाता है, है मिट्स मैरी, यहाँ पे एंड में आप ई बना लेना, ए नहीं होगा, ठीक है। तो और मैरी से मिलता है एक फॉर्मर कोवर्कर, जो कि उसकी भूतपूर्व यानी पहले की कोवर्कर रहती है, जो उसके साथ काम कर चुकी होती है, एंड बिगिंस एन अफेयर, और उसके साथ एक अफेयर शुरू करता है। दिस अबव मेंशन एक्टिविटीज, जो हम ऊपर मेंशन किए हुए हैं एक्टिविटीज की, कैसे मैशोल्ट की माँ की मृत्यु हुई, लेकिन ये वहाँ मतलब माँ के दाह संस्कार से आके किसी लड़की से मिलता है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसके साथ अफेयर शुरू कर लेता है। तो ये जो अबव मेंशन एक्टिविटीज है ऑफ मैशोल्ट, मैशोल्ट का सोर्स दैट दिखाता है हिज मदर्स डेथ हैज मेड नो डिफरेंस एट ऑल इन हिज लाइफ, कि उसकी माँ की मृत्यु से उसकी लाइफ में कोई कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। मैशोल्ट ऑल्सो टॉक्स विद एन एल्डरली नेबर नेम्ड सैलोमन, सैलोमनी नाम के एक नेबर से भी बात करता है मैशोल्ट, ए मैन जो कि एक आदमी है, हु इज ऑफन हियर, जिसको कि हमेशा सुना गया है साउटिंग एट हिज सिक डॉग, कि वो अपने बीमार डॉग पे चिल्लाता रहता है। लेटर ही डेवलप ए फ्रेंडशिप विथ रेमंड सिनेट्स, वो बाद में जो है मैशोल्ट वो रेमंड सिनेट से अपनी दोस्ती शुरू करता है, लोकल पिम्प जो कि एक लोकल दलाल रहता है, हु लिव्स इन हिज अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि उसके अपार्टमेंट के ही बिल्डिंग में रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया स्टोरी। रेमंड सस्पेक्ट हिज मिस्ट्रेस ऑफ बीइंग अनफेथफुल, रेमंड जो है मतलब मैशोल्ट का जो फ्रेंड है वो सस्पेक्ट करता है अपनी मिस्ट्रेस पे कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो अनफेथफुल है, मतलब उसको धोखा दे रही है, एंड हैज मैशोल्ट राइट ए लेटर, और मैशोल्ट को बोलता है कि एक लेटर लिखने के लिए, सेड मैशोल्ट भी कर सकते हो आप, कि मैशोल्ट को कहा एक लेटर लिखने के लिए टू हर, उसके लिए टू इंटाइस हर, ताकि उसको इंटाइस यानी एक तरह से लोभ दे सके, टू रेमंड्स अपार्टमेंट, रेमंड्स के अपार्टमेंट में बुलाने का एक लोभ दे सके, वेयर ही इंटेंड्स टू मेक लव टू हर, जहाँ पे वह रेमंड क्या करेगा उसके साथ लव यानी फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा, एंड देन स्पाइट इन हर फेस, और उसके फेस पे स्पाइट यानी थूकेगा, एंड थ्रो हर आउट ऑफ, उसको बाहर निकाल देगा। ये किसका प्लान है, रेमंड का प्लान है, जिसमें वो मैशोल्ट की हेल्प लेता है। द रिजल्ट ऑफ लेटर इज अनदर कन्फ्रंटेशन, इस रिजल्ट मतलब इस जो लेटर जो मैशोल्ट लिखा है रेमंड की मिस्ट्रेस को बुलाने के लिए, तो उसका अलग ही एक पहलू देखने को मिलता है, मतलब एक अलग ही कन्फ्रंटेशन यानी एक अलग ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है बिटवीन द गर्ल, उस लड़की एंड रेमंड के बीच, इन विच ही बीट्स हर ब्रूटली, जिसमें कि वो क्या करता है ना, रेमंड उसको जानवरों की तरह उस लड़की को मारता है। मैशोल्ट एग्री टू टेस्टिफाई इन रेमंड्स बिहाफ, मैशोल्ट जो है अब जो जानवरों की तरह मारा ना उस लड़की को, तो वहां पे पुलिस आ जाती है, जो कि हम इंसिडेंट मेंशन नहीं किए हैं, ये नोट्स काफी लंबी हो जाएगी, तो पुलिस आ जाती है, तो ये मैशोल्ट क्या करता है कि मान जाता है टू टेस्टिफाई इन रेमंड्स बिहाफ, कि रेमंड्स की ओर से ये क्या देगा, टेस्टिफाई इट मीन्स गवाही देगा, सेइंग दैट, यह कहते हुए ही वॉज प्रोवोक्ड बाय द गर्ल्स, कि उसको गर्ल के द्वारा मतलब रेमंड को क्या किया गया था, जिस लड़की को रेमंड पीटा ना उसी के द्वारा मैशोल्ट बोलता है कि इसकी रेमंड को प्रवोक किया गया था, उकसाया गया था, इनटू द कन्फ्रंटेशन, मतलब उस जो लड़ाई में क्या किया गया था, उस लड़की के द्वारा रेमंड को उकसाया गया था, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा गवाही देता है मैशोल्ट। अब आगे है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब जो रेमंड फ्री हो गया है अपने फ्रेंड मैशोल्ट की गवाही से, तो रेमंड इन्वाइट्स मैरी एंड मैशोल्ट टू हिज फ्रेंड्स बीच हाउस। रेमंड क्या करता है, मैरी और मैशोल्ट को अपने फ्रेंड के बीच हाउस पे इन्वाइट करता है। दे आर फॉलोड बाय ए यंग अल्जीरियन मैन, उनका पीछा किया जाता है कुछ अल्जीरियन मैन के द्वारा। द ब्रदर ऑफ रेमंड मिस्ट्रेस, जो कि भाई थे रेमंड के मिस्ट्रेस का, जिसको कि रेमंड बहुत बुरी तरह मारा था। द अल्जीरियन यूथ, जो अल्जीरियन यूथ थे, होम मैशोल्ट रिफर्स टू एज एन अरब, जिनको कि मैशोल्ट अरब समझ रहा था, एंड हिज फ्रेंड ट्राई टू अटैक रेमंड, और उनके जो दोस्त थे वो क्या करता है ना कि वो मतलब जो अल्जीरियन बॉय का ग्रुप था जिनको मैशोल्ट अरब समझ रहा है, वो उसका दोस्त क्या करता है ना, अटैक करता है रेमंड पे, क्योंकि रेमंड ही ना मारा था उसकी मतलब मिस्ट्रेस को। द अरब ड्रॉज ए नाइफ, अरब जो है चाकू निकालते हैं, कट्स रेमंड बिफोर दे रन अवे, मतलब इससे पहले कि वो लोग भाग पाते वो एक कट कर देता है रेमंड को, मतलब एक चाकू मार देता है, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं, और मतलब जिससे इससे पहले कि वो लोग भाग पाते एक चाकू लग जाता है रेमंड को। लेटर रेमंड ट्रायल्स टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन द यूथ, अब रेमंड जो है वो पूरा गुस्सा हो जाता है, चाहता है क्या ले, रिवेंज ले। मैशोल्ट कन्विंसेस रेमंड, रेमंड को कन्विंस करता है मैशोल्ट टू काम डाउन, शांत रहने के लिए। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर मैशोल्ट गोज फॉर ए वॉक अलोन
मेयरसोल क्या करता है, अकेले एक वॉक के लिए चला जाता है एंड इनकाउंटर्स द अरब अगेन, और उन्हीं लड़कों से फिर से मिल जाता है, ठीक है, जो रेमंड को मारा है। मेयरसोल अकेले उन लोगों से फिर से मिलता है। फिर आगे है द हीट ऑफ द सन एंड द कंफ्यूजिंग सिचुएशन। उस टाइम जो हीट थी सन की, ये लोग बीच के किनारे थे ना, तो सन जो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ, काउज मेयरसॉल्ट टू सूट द यंग अल्जीरियन। तो इससे वजह से क्या हुआ कि जो मेयरसॉल्ट है ना, क्या किया, सूट कर दिया उस यंग अल्जीरियन को, मतलब ग्रुप के कुछ बॉयज को सूट कर दिया, मतलब मार दिया, ठीक है। तो यहां तक हो गया कि मर्डर हो चुका है किसके हाथों, मेयरसॉल्ट के हाथों। अब आगे है मेयरसॉल्ट इज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर द मर्डर। मर्डर के लिए मेयरसॉल्ट को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज केस, उसको अपने केस को लेके टेंशन नहीं है। द जज ट्राइज टू कन्विंस हिम टू कन्फेस हिज सिन। जज कोशिश करता है कि वो अपने मतलब पाप को, जो गलती किया उसको स्वीकार कर ले एंड टर्न टू गॉड और भगवान की तरफ मुड़ जाए। बट मेयरसॉल्ट रिप्लाइज दैट, बट मेयरसॉल्ट उसको जवाब देता है दैट ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि वो भगवान पे यकीन नहीं रखता है। द जज इज शॉक दैट, जज इस चीज को लेके शॉक है कि मेयरसॉल्ट डज नॉट बिलीव इन रिलीजन एंड गॉड, कि मेयरसॉल्ट जो है वो रिलीजन और भगवान को नहीं मानता। एट द ट्रायल, अब जो जांच चल रहा है, द प्रोसिक्यूटर पॉइंट्स टू मेयरसॉल्ट लैक ऑफ इमोशन। प्रोसिक्यूटर क्या करता है ना, जो ये मेयरसॉल्ट के अंदर इमोशन की कमी दिखाई गई है उस चीज को पॉइंट करता है एज ए रीजन, एक रीजन के रूप में, कारण के रूप में व्हाई ही शुड एग्जीक्यूटेड, कि क्यों उसको सजा मिलनी चाहिए, कि दिखाता है कि इस इंसान के अंदर इमोशन ही नहीं है, तो इस वजह से इसको तो कन्फर्म सजा मिलनी चाहिए। He describes Mersault behavior at his mother's funeral. वह क्या करता है, जो prosecutor है वह Mersault के behavior को describe करता है कि कैसे वो react किया था Mersault अपनी माँ के funeral पे, उस situation के बारे में बताता है सबको। And calls numerous witnesses to reveal how Mersault failed to react the emotional situation in expected manner. की और बहुत सारी मतलब क्या बोलता है, बुलाता है numerous witnesses यानी अनेक गवाहों को बुलाता है ये reveal करने के लिए कि कैसे मेयरसॉल्ट क्या होता है, फेल हो जाता है इमोशनल सिचुएशन में रिएक्ट करने में, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस तरीके, इस चीज में कैसे मेयरसॉल्ट हर टाइम फेल हो जाता है। द बिहेवियर द प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू, जिस बिहेवियर के बारे में प्रोसिक्यूटर बता रहा है, इज एविडेंट ऑफ ए मैन हु लैक एनी रेमर्स। तो ये दिखाता है कि इस इंसान के अंदर जो बिहेवियर है मेयरसॉल्ट का, जो प्रोसिक्यूटर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, जो रियलिटी में भी बिहेवियर है मेयरसॉल्ट मेयरसॉल्ट का, तो ये चीज दिखाता है कि इसके अंदर क्या है, वो लैक्स एनी रेमर्स, मतलब जिसके अंदर किसी भी तरह का पछतावा नहीं है, ठीक है। सैलोमनो मैरी एंड रेमंड सीनेट ऑल एविडेंस एट द ट्रायल बट नन ऑफ देम कन्विंस द ज्यूरी दैट मेयरसॉल्ट इज अ सिंपैथिक फिगर। तो ये सारे एविडेंस बन के आते हैं, गवाही बन के आते हैं, सब मतलब फ्रेंड है मेयरसॉल्ट के, तो सब मेयरसॉल्ट के पक्ष में गवाही देते हैं, बट कोई भी है ना वो जो मतलब जज बैठे हुए थे उनको कन्विंस नहीं कर पाता है कि मेयरसॉल्ट जो है सिंपैथिक फिगर है, किसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। अब ये थ्रू आउट द ट्रायल, अब इस ट्रायल के दौरान, जांच के दौरान मेयरसॉल्ट क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है वहां के हॉट गर्मी वाला स्टफी उबाऊ कोर्ट रूम इन ए डिटैच्ड एंगेज्ड मैनर, की कैसे गर्मी है, कैसे चारों तरफ सामान फैला हुआ है, सारा कोई बिजी है अपनी बातों को प्रूव करने में, तो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, मेयरसॉल्ट, ठीक, अलग ही टाइप का इंसान है, इसको अपने अभी सजा से लेना देना नहीं कि इसको इसकी सजा मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी, ये अलग ही सोच रहा है। द प्रोसिक्यूटर क्लोजेस बाय लेबलिंग मेयरसॉल्ट इज सोललेस रोमरलेस मॉन्स्टर। तो जो प्रोसिक्यूटर है ना, इस चीज के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि बताते हैं कि मेयरसॉल्ट जो है ना एक सोललेस आत्माहीन रोमरलेस पछतावाहीन मॉन्स्टर है, हू शुड बी पुट टू डेथ, जिसको कि कंफर्म डेथ की सजा होनी चाहिए। द ज्यूरी एग्रीज, वहां जो जज लोग बैठे थे वो सब मान जाते हैं, एंड मेयरसॉल्ट इज सेंटेंस टू डेथ बाय गिलोटिन के द्वारा मेयरसॉल्ट को सजा के सजा सुना दी जाती है, कि गिलोटिन के द्वारा सर काट दिया जाएगा मेयरसॉल्ट का सजा के रूप में, ठीक है। अब आगे है मेयरसॉल्ट रिटर्न टू जेल, अब मेयरसॉल्ट जज मतलब कोर्ट रूम से जेल वापस आया, व्हाइल ही वॉज वेटिंग His execution, जब वो अपने execution यानी सजा का वेट कर रहा था, a priest named Chaplin comes to meet him. एक priest है पुजारी Chaplin नाम का, जो उसे मिलने आया। The priest cannot understand, priest समझ नहीं पाता है, why Mersault does not believe in God, कि ये जो Mersault है वो God में believe क्यों नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये priest फिर से Mersault को सुधारने की कोशिश, एक last कोशिश करने आया था कि क्या पता Mersault सुधर जाए। Mersault says, Mersault कहता है, religion is a waste of time, priest के सामने ये line बोलता है Mersault। The constant probing
फ्रॉम द चैपलिन लीड्स टू एन इमोशनल आउटबर्स्ट फ्रॉम मैरिसोल। तो अब लगातार जो उस चैपलिन उस पृष्ठ के द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा था किसके मैरिसोल्ट से, तो ये क्या होता है ना कि एन इमोशनल आउटबर्स्ट, एक मतलब इमोशन निकलता है, गुस्सा निकलता है फ्रॉम मैरिसोल्ट, मैरिसोल्ट के अंदर से ही एंग्रेली साउंड्स, वो गुस्से से चिल्लाता है एट चैपलिन, उस चैपलिन पे, हू रन्स फ्रॉम द रूम, और उसके बाद जो वो चैपलिन है उस रूम से भाग जाता है। द आउटब्रस्ट अलाउ मैरिसोल्ट, ये जो आउटब्रस्ट, ये जो गुस्सा आया है मैरिसोल्ट को, ये मतलब उसको यह अलाउ करती है टू एक्सप्रेस सम ऑफ द एंगर, कि वो अपना कुछ एंगर एक्सप्रेस करे, क्योंकि आज तक वो किसी भी तरह का इमोशन एक्सप्रेस किया ही नहीं था मैरिसोल्ट। एंड द फ्रस्ट्रेशन ही फील, और क्या वो फ्रस्ट्रेशन अभी फील कर पा रहा है, उस चीज को एक्सप्रेस करे, ठीक है, जो उसका गुस्सा है ये उसको मतलब अलाउ करता है इस चीज का, कि वो अभी जो फील कर पा रहा है उस चीज को एक्सप्रेस करे। अब आगे है, स्टोरी खत्म होने वाली है। द स्टोरी एंड्स विद मैरिसोल्ट्स विश, स्टोरी इस चीज के साथ खत्म होती है कि मैरिसोल्ट चाहता है दैट ए लार्ज क्राउड अटेंड हिज एग्जीक्यूशन, कि उसकी उसको जब फांसी दी जा रही थी उस पर उसका सर काटा जा रहा होगा, तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसको ज्वाइन करे। एंड रिवाइल हिम विद कर्स, रिवाइल यानी क्या कहे, उसको पूरा बुरा भला कहे, श्राप दे। देन ही विल फाइनली नो दैट ही हैज चूजन फ्रीली, मतलब एट द एंड उसको आखिरी में पता चलता है कि वह क्या चूज किया, मतलब फ्री रहना चूज किया, हैविंग रिजेक्टेड ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द सेम, सेम यानी यहाँ पे ई लिख लेना ऐसा चाहिए, यानी सेम सोसाइटी बाय विच ही इज सराउंडेड। तो मतलब इस सोसाइटी की जो बाधाएं हैं, जैसे कि मैरिसोल्ट खुद घिरा पड़ा है, तो इन सबको कैसे रिजेक्ट करते हुए मैरिसोल्ट क्या किया, फ्री रहना चूज किया, ठीक है। तो ये चीज ऐसा फील होता है किसको, मैरिसोल्ट को, क्योंकि अभी भी वो इमोशनलेस के तरह ही रिएक्ट कर रहा है। कंक्लूजन, अब आखिरी में हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। दस इट इज क्लियर, इस प्रकार यह क्लियर है, साफ है, दैट कैम्यू रोट द स्ट्रेंजर टू एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म, कि फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए कैम्यू जो है ये नॉवेल लिखते हैं, विच क्लेम्स दैट, जो ये क्लेम करता है दैट देयर इज नो इनहेरिटेंट मीनिंग इन लाइफ, कि जन्म के साथ ही किसी की लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहता है। The protagonist and antagonist, protagonist यानी क्या होता है, hero और antagonist यानी villain of this play, Mertzolt is unable to understand society and express feeling, मतलब वो क्या होता है, ना ही अपनी society को समझ पाता है Mertzolt, क्योंकि इस कहानी का villain भी है और hero भी है, और ना ही अपनी feeling express कर पाता है। The impending result of living like this, और at the end जो इस चीज का result आता है इस तरीके से जीने का, is isolating oneself, कि वह क्या पूरी तरह से अकेला फील करता है। एंड बिकमिंग ए स्ट्रेंजर टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए तो स्ट्रेंजर बन ही गया है, अदर्स दूसरों के लिए एंड वन सेल्फ, और खुद के लिए भी एट द एंड स्ट्रेंजर बन जाता है, ठीक है। फिर आगे है, दिस इज वाई मैरिसोल्ट डज नॉट केयर अबाउट फैमिली, और यही रीजन है कि मैरिसोल्ट क्या करता है, ना ही अपने फैमिली की केयर करता है, ना ही अपने फ्रेंड की केयर करता है, ना ही अपने लव के बारे में सोचता है, ना ही डेथ के बारे में, डेथ तक की केयर नहीं कर सकता। कैम्यू मैसेज इन द आउटसाइडर इज दैट, कैम्यू जो है ऑथर जो है वो मैसेज देते हैं द आउटसाइडर के थ्रू कि द ओनली सर्टेन गारंटी इन लाइफ, लाइफ में जो सिर्फ एक चीज है गारंटी, इज द इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ की अनिवार्यता है गारंटी, कि हर इंसान के एट द एंड जो है डेथ का ही हर इंसान को फेस करना है। एंड सिंस ऑल इंडिविजुअल इनकाउंटर्स डेथ, कि हर इंडिविजुअल इंसान डेथ से मिलेगा, All lives are equally meaningless, कि हर इंसान का जो जीवन है एक तरह से meaningless है, ठीक है। अगर कोई इंसान क्या है, emotionless है, emotion उसके अंदर किसी भी तरह का नहीं है, तो हर इंसान का life जो है वो meaningless हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये novel की story खत्म होती है।